इधर इधर ठीक है ठीक है. Root's golden run in this calendar year continues. A record tumbled to him in the morning session here in Multan. He now has a first test match 100 in Pakistan in the afternoon session. बुरा हालात है पाकिस्तान के, बेशर्म लोग हैं ना, इनको कोई शर्म आया उसी तरह की मुर्दा पिच बना के कोई. अब इंग्लैंड एक तो वो खेलता ही बड़ा अच्छा है, और तुम लोग अगर अच्छी पिच बनाओगे ना, जानदार पिच, उसमें भी वो तुम्हें फेंट देंगे. तो तुम लोग इस तरह मुर्दा पिच बना के तुम क्या सोच रहे थे कि वो तुम्हें बस आउट हो जाएंगे क्या? आगे चलो जी ठीक है, ये बेचारों को हमने पिछली दफा भी वाइट वॉश किया था, तो भी हम थोड़ा सा इन पर रहम कर लेते हैं. इस दफा कोई एक आधा मैच हम इनसे जल्दी आउट हो जाते हैं. वो आउट करोगे तो आउट होंगे ना, वैसे कैसे आउट होंगे सर? जो रूट किताब तो मिल गया जी सर, जो रूट एलिस्टर कैम्बर को पीछे छोड़ दिया सेंचुरियों में भी और आज रनों में भी, और दुनिया के पांचवें बैट्समैन बने, वेरी वेल डन. 161 बॉल में 100 करे लेकिन नो बेस बॉल अगेंस्ट इंडिया. याद है जुमला क्या कहा था कि जब ये अपना बेस बॉल छोड़ेगा रनों की मशीन बनेगा. अल्हम्दुलिल्लाह 100 करा इंडिया में और जब से अपना स्टाइल पुराने रूटीन में आ गया. आप यकीन करें कि पाकिस्तान की टीम का ये हाल है, ऐसे लगता है दो दिन पाकिस्तान ने फील्डिंग की हुई. शान मसूद पागल हो गया, ऐसे रिव्यूज ले रहा है, रिजवान उसको मना कर रहा है, दो रिव्यू ऊपर नीचे जाया कर दिए हैं. और अमर जमाल अमर जमाल अमर जमाल अमर जमाल अमर जमाल ना हो गया कोई जमाल कोटा हो गया जरा पेट. तो हमारे पास फिर बचा गया, हमारे पास ये बचा कि इंग्लैंड को देखिए जो बैट्सबॉल का यहाँ बैनर लेकर आया, और अनलाइक बैट्सबॉल वो आपके ऊपर बड़े सुकून से स्कोर किए जा रहे हैं, कोई रिस्क नहीं खेल रहे ले रहे आपके ऊपर. और अभी वो सब कुछ ना करके भी जहां एक्चुअल मायनों में अभी आपको बैट्सबॉल ना हैरी ब्रूक से नजर आई ना बेन डकट से नजर आई, और जो रूट तो दूसरों को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, वो एक अपनी पेस से उसने अपनी 119 रन बना ली है. अब अगर आखिरी सेशन में आके ढाई घंटे के अंदर आके वो हकीकी मायनों की बैट्सबॉल अगर पाकिस्तान पे खेल गए, तो फिर तो यहाँ जो बचा कुचा खेल है वो भी निपट गया. पूरा घास से आपने कारपेट बना दिया है और आप बना रहे फटा पिच फ्लैट पिच, तो उसके ऊपर बात बॉलर्स के लिए तो भी कुछ छोड़ना था ना भाई, वो कुछ ही नहीं छोड़ा. आप देखते हैं कि क्या होता है अगले दिन, लेकिन फिलहाल मैं ये कहता हूं कि मुझे तो इंग्लैंड के इरादे खतरनाक लग रहे हैं. इंग्लैंड अगर तीसरा दिन खेल गया ना उस्मान, तो पाकिस्तान के ये सारे रन वो उखाड़ पुछाड़ जाएगा और पाकिस्तान को बैटिंग करवाएगा तीसरे दिन, ये भी देखिएगा. तो इस तरह की पिच बना के ना उसमें कोई है कोई हिसाब था ना, बॉलिंग में डेप्थ है ये वो, सिर्फ सेंचुरियां कर करके अपनी खुश हो रहे थे. अब्दुल्ला की सेंचुरी आ गई, शानू साहब की 150, वो वैसे अच्छा खेल गया, वैसे मैं ऐसे उसके बोलूं आगा भी कल ठीक खेल गया. तो जब तुम लोगों के तीन बंदों ने जिसमें से दो तो स्ट्रगलिंग है, उसकी चार साल बाद सेंचुरी आई है शान मसूद की, अब्दुल्ला भी टांग पकड़ के सर पकड़ के बैठा हुआ था इतनी बारियों से उसका, वो तो ड्रॉप होने वाला था, उसका भी 100 आ गया, आगा चलो ठीक खेल रहा था, तो उनके भी 100 आ गए जो आउट ऑफ फॉर्म थे उन्होंने दे सारे फॉर्म जिन्हें. अब कितने 100 इस साल में कर गया ये रूट, कितने 100 कर गया, 3500 उसके हो गए हैं, तो वो तो इसी साल में रन्स पे रन्स करता हुआ आ रहा है. तो जो उनके इन फॉर्म बैट्समैन है वो इस पिचेस में आपका क्या ख्याल है, रन्स नहीं करेंगे जब तुम्हारे आउट ऑफ फॉर्म जो है वो 100 पे 100 डाल रहे हैं? बुरे हालात में भाईजान, बहुत बुरे हालात में, ये तो बहुत ज्यादती है, हर दफा ही फैंटिक पड़ती है. राज भाई यस आई एम फीलिंग लिटिल बेटर, लेकिन वो एक दो दिन तो लगते हैं फिर. ये मैंने शहर डाल के ग्रीन टी में कोई अदरक शकदर कुछ वो हिसाब तक कुछ चल रहा है, तो होपफुली आई वुड बी फाइन. थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज. टूटे दिल ना ते गल नहीं बन रही, पाकिस्तान नीड्स ब्रेन. ब्रेन इन्हों का ऐसा कि जो इन्होंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, बिल्कुल जीरो मीटर चल रहा है. तो एक भाई कह रहे हैं जी सिर्फ एक ही ओवर मेडन है यार, यहाँ पे वो पांच छह रन पर ओवर के हिसाब से चल रहा है, तो आप कह रहे हैं कि मेडन ओवर नहीं हो रहे, मेडन ओवर इन्होंने क्या कराने हैं यार क्या? और पूरा जो 70 ओवरों में 300, तो वही आपसे बोला था 100 ओवर अगर वो खेल जाएंगे तो उनका जो हो जाएगा पूरा 500 रन हो जाएंगे, तो उसी रफ्तार से चल रहे हैं. अगर वही अगले वाला सेशन 5 के रन रेट से खेल जाते हैं तो उनका हो जाएगा वो 500 से ऊपर काम चला जाएगा, तो मजे मजे से वो लगे होंगे. बिल्कुल A1 बेहतरीन शानदार. एपिक थिंग इज दैट पिंडी पिच विल बी इवन फ्लैटर. पिंडी वाली तो यार अभी आई वाज सरप्राइज कि इन्होंने थोड़ा बेहतर कर दिया है पिंडी वाली में, तो देखे वो फ्लैट, चलो पाकिस्तान ने 450 किए, वो बांग्लादेश ने 565 किए, लेकिन वो कोई ऐसी कोई मनहूस पिच होती है भाई, किसी टाइम पे तो वो जाके कोई जादूगरी आए ना उसमें, कोई स्पिन बॉलर्स कोई फास्ट बॉलर्स कोई उसको असिस्ट करे चौथे दिन पे जाके पांचवें दिन पे जाके, तो पांचवें दिन पे वहां पे पिंडी वाली ने तो किया था वो, फिर बांग्लादेश उसने बारी इतनी अच्छी की, वो पाकिस्तान के ऊपर जो 125 रन डाल दिए वो ही नहीं उतरे हमसे. बेसबॉल तो नहीं खेला ना, 161 बॉलों में 100 गवाह है ना आप लोग, नहीं पाकिस्तानी नहीं होंगे, इंडियंस जो फॉलो करते हैं वो लाजमी गवाह होंगे. डकेट ने करे जी 84 टू गुड खेला, उससे पहले जैक क्रोली 78 पे आउट हुआ, हर सेशन में पहले सेशन में बनाए 136 रन एक आउट हुआ, दूसरे सेशन में अभी तक एक ही आउट है और 100 से ज्यादा रन हो चुके हैं, तो क्या हर सेशन में एक एक आउट होगा? क्रिकेट पे बात करनी है, कल न्यूजीलैंड हारी है ऑस्ट्रेलिया से वुमेन्स में, चांस हो गया अगर ऑस्ट्रेलिया को इंडिया हरा दे तो इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, ये लिखा हुआ था अभी सामने आया, तुमने कहा 88 रन से हराया, 88 पे आउट हुई है, 60 रन से हराया.
और आज आईपीएल 11 का दूसरा मैच है बांग्लादेश से, उस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। आ जाता हूं जी पाकिस्तान का टेस्ट मैच। मुझे लगता है कि चले आज तीसरा दिन आज छोड़ दें, लेकिन नजर तो यही आ रहा है क्या पाकिस्तान ये टेस्ट मैच बचा पाएगा। 556 रन करने के बाद कहीं हार तो नहीं जाएगा, इस वक्त सब यही सोच रहे होंगे ना, कहीं पे डिमेरिट पॉइंट तो नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन बुलाया ना क्यूरेटर, क्या टॉप क्लास पिच बनाई है, कहा था ना सारे बैट्समैनों ने अपना एक ग्रुप बना लिया है कि बस हम रन करें, बॉलर को मारो गोली, ऐसे ही था ना, फायदा क्या। अभी भी पाकिस्तान डर रहा है कि हम हार ना जाए, तो ये क्रिकेट का फायदा नहीं है। अब तो यही होगा कि जब भी कोई टीम पाकिस्तान आएगी पहले ही उनसे एक MOU साइन करेगी जी, ऐसी पिच बनाई जाए जिसमें फैसला हो नजर आए, ये नहीं कि आखिरी दिन फैसला हो जाए, वो मैं नहीं कह रहा। तो अब आप समझेंगे आप लकी हैं या लकी हैं या जो भी हिसाब किताब है कि इतने अरसे से आपकी सीरीज ही नहीं हुई पाकिस्तान से, वरना तो ये जो हिसाब किताब है अगले पिछले सारे टूट टटा के एकदम बेहतरीन हो जाने थे। 12-9 का अभी तक पाकिस्तान के ऊपर है तीन मैच इंडिया के टेस्ट मैच, तो वो तीन वो उतार के क्या 8-9 ऊपर हो जाने थे अगर हर जो दूसरे तीसरे साल सीरीज होती है एक दफा हम आते एक दफा आप जाते। अब इस बार जब तक था तो हमारी टीम थोड़ी कंपेटिटिव थी, लेकिन अभी तो पिछले 6-7 सालों से जब इस बार रिटायर हुए भी 7 साल हो गए, तो हमारी टीम को तो आपने तुन के रख देना था, ये तो शुक्र मनाएं कि मैच ही नहीं हो रहे। अभी भी वो चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, कल वो आर्टिकल लगा चैंपियंस ट्रॉफी का इधर इंग्लैंड के टेलीग्राफ में के वो देख रहे हैं, तो भाई ये वो चलो वो एक अलहदा डिफरेंट टॉपिक है, उस पर बात करेंगे बाद में। लेकिन ये इतने पैसे लगा लगू के इतना चलो जी मान जाते हैं इंडिया आ भी जाता खेलने के लिए, तो ये अपनी बेइज्जती ही करवा दी इन्होंने। इस टीम में कोई दम ही कोई नहीं लग रहा कि ये सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई करें, फाइनल तो दूर की बात है। इतना शोर शराबा कर करा के नहीं जी हाँ जी आप आ जाए हमने पैसे लगाए हैं ये वो, अगर आ भी जाता है इंडिया तो तुम्हारी टीम में इतना कोई दम हो अपने मुल्क में बेइज्जती करवाओगे, तुम लोगों में वो बात नजर ही नहीं आ रही। सेमीफाइनल में जाते हुए मुझे ये दिख नहीं रहे कि जो इनके हालात नजर आ रहे हैं, लास्ट टाइम न्यूजीलैंड भी इनको ODI सीरीज में हरा के गया हुआ है, तो अब ये ODI से इंडिया से आखिरी मैच ये वो चैंपियंस ट्रॉफी वाले जीते हुए 7 साल हो गए हैं, उसके बाद ये ODI का कोई मेरे ख्याल कोई मैच भी कोई नहीं जीते। हाँ कोई नहीं जीते, 2018 में 2 हारे हैं ये एशिया कप के मैच UAE में, 19 के वर्ल्ड कप का मैच हारे, फिर एशिया कप में ये गंदा मैच हारे, फिर वर्ल्ड कप का ये 5-6 जो इनका मैच हुए सारे के सारे हारे, ऑल ऑफ देम वन साइडेड, और एक तो 228 रन के मार्जिन से हारे। तो सारा फोकस चलो करते कराते, वैसे मैं पाकिस्तान इतना लगा रहा है वो हिसाब किताब कर रहा है, ICC का इवेंट है, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि आना चाहिए इंडिया को, लेकिन वो डिबेट आई विल कीप इट फॉर सम अदर टाइम, वो आर्टिकल लगाया क्या हिसाब किताब है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि सिर्फ ये करने कराने के लिए सिर्फ इसी पे सारा फोकस है, वो तो टीम तो कोई अच्छी करो ना, वहां पे भी बेइज्जती होना है, जो हालात है तो बांग्लादेश से भी नहीं लग रहा क्या, बांग्लादेश से भी शायद जीत पाओ, तो कोई हालात नहीं है इनके, बुरे हालात हैं। और आप कह रहे हैं कि वो खेलते जायसवाल और रोहित शर्मा, तो आप वो बोले वहां पे कि जी हम पूरी दुनिया आके मजे लूट के जा रही है, तो हमने अगले पिछले हिसाब पूरे करने हैं, बड़ा जमाना लगा, बड़ा अरसा लगा इंडिया को आके टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में जीत के जाते हुए, अभी जाके सौरभ गंगुली की कप्तानी में जीती है। दोस्तों पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है पहला, और इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 556 रन का स्कोर किया था फर्स्ट इनिंग के अंदर, और भाई उसके बाद इंग्लैंड की बैटिंग आई है तो भाई इंग्लैंड वालों ने पाकिस्तानियों को बुरी तरह फेल दिया है, 438 रन का स्कोर है और 3 विकेट ही गए हैं। भाई इंग्लैंड जो है बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है और पाकिस्तानियों की हालत ख़राब करके रख दी है इंग्लैंड ने, और भाई सबसे तगड़ा स्कोर ठोका है जो रूट ने, जिन्होंने 155 रन फिलहाल अभी वो नॉट आउट चल रहे हैं और 155 का स्कोर ठोक दिया है जिसमें 10 चौके शामिल हैं, 239 बॉल उन्होंने खेली है। उसके बाद भाई हैरी ब्रूक है वो भी नॉट आउट चल रहे हैं, 110 रन वो ठोक चुके हैं 132 बॉल में, और 84 रन ठोके थे डकेट ने, बैन डकेट ने। तो भाई इंग्लैंड बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहा है और पाकिस्तानी समझ रहे थे कि भाई हमने जो है 556 रन का स्कोर कर दिया है तो भाई इंग्लैंड अब नहीं कर पाएगा, तो भाई जैसी पिच पाकिस्तानियों ने सोच के बनाई थी तो भाई उसके हिसाब से भाई इंग्लैंड वालों ने उनको वापस ठोक दिया है। पाकिस्तान के जितने भी बॉलर थे सबकी कुटाई हुई है, अच्छी तरह जमकर कुटाई हुई है, और सबसे ज़्यादा तो भाई अबरार अहमद ने जो है रन दिए हैं क्योंकि रन ओवर भी उन्होंने ज़्यादा फेंके हैं, 32 ओवर के अंदर 158 रन ठोक दिए हैं। तो भाई इंग्लैंड जो है उम्मीद से ज़्यादा अच्छा खेल रहा है और पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि इंग्लैंड इतनी बुरी तरह उनके बॉलरों को धोएगा, और अब जो है बिल्कुल 118 रन से ही ट्रेलिंग चल रही है इंग्लैंड की और जल्दी इसको भी पूरा कर लेगा। और भाई अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि भाई इंग्लैंड से आसानी से जीत जाएंगे तो बहुत ही गलतफहमी में जी रहे हैं पाकिस्तानी, इंग्लैंड पूरी टक्कर दे रहा है और पाकिस्तानियों को रगड़ने के फुल मूड में है, इंग्लैंड जो है बहुत ही खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं इंग्लैंड के प्लेयर, और अब देखना ये है कि भाई ये कितनी जल्दी जो है इसको चेंज कर लेते हैं इसको।